शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें अब जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मुश्किलें ऐसे बढ़ रही हैं मानो अब जो है उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे के ही पार्टी के विधायकों ने उनके साथ में विद्रोह करके उनका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार तो गिरी ही, लेकिन उसके बाद इनके लगातार मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई। संजय राउत को जो कि सबसे ज्यादा करीबी थे इनके, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, फिर जेल भेज दिया गया और पिछले काफी टाइम से संजय राउत भी जेल में बंद हैं। लेकिन अब इन्हीं सब चीजों के बीच में एक और बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज सामने आ रही है। जब संजय राउत के घर में जब उद्धव ठाकरे के घर में घुसकर एक नाथ शिंदे के द्वारा कुछ ऐसे कारनामे कर दिए गए। आखिरकार मामला क्या है उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ा बहुत भी पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुश्किल थमने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना सचिव और उनके लंबे समय से भरोसेमंद सहयोगी मिलिंद नार्वेकर को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। मिलिंद नार्वेकर वही हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को एकजुट करने में उस टाइम एक बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को एकजुट नहीं कर पाए थे। जिस टाइम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए थे, उस टाइम इन्होंने ही जाकर उद्धव एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी, लेकिन ये जो है अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और फाइनली उद्धव ठाकरे सरकार जो है गिर गई। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये एक अपडेट आई थी मिलिंद नार्वेकर को लेकर, जहां पर बताया गया था कि उद्धव ठाकरे के सबसे भरोसेमंद मिलिंद नार्वेकर को अब उनकी जगह से हटाया जा रहा है, यानी कि उद्धव ठाकरे का जो दाहिना हाथ है उनको हटाकर दूसरे शिवसेना के ही पुराने नेता को दिया जा रहा है। इस पर काफी ज्यादा संग्राम जरूर मचा हुआ था, लेकिन अब इन्हीं सब चीजों के बीच में दावा किया जा रहा है कि मिलिंद नार्वेकर जो है वो जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं और साथ में ही ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका साबित हो सकता है। शिंदे खेमे के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने शनिवार को धुले में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चंपा सिंह यानी थापा, जो कि बाला साहब ठाकरे का बहुत ही ज्यादा करीबी थे और साथ में ही बाला साहब ठाकरे की जब डेथ हुई थी तो उनका जो है अग्नि भी उन्होंने ही दिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा करीबी थे और बाला साहब ठाकरे का, और वो हमेशा जो है उनके साथ में थे उनके एक सेवक बनके। लेकिन उद्धव ठाकरे ने भी उनका जो है सपोर्ट किया। जब बाला साहब ठाकरे की डेथ हो गई तो उद्धव ठाकरे ने उनको जो है अपने घर में ही जगह दी, यानी चंपा सिंह को अपने घर में ही जगह दी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक अपडेट आई जहाँ पर बताया गया कि चंपा सिंह यानी थापा ने जो है उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है, उनका घर छोड़ दिया है और जाके एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। सबसे बड़ी बात, ये कोई नेता या कोई बड़ा एमएलए विधायक नहीं है, लेकिन हाँ ये वर्कर थे बाला साहब ठाकरे के और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी इनकी पहचान थी और इन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर जाकर एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद वहाँ पर इनके द्वारा सीधे सीधे निशाना साधा गया और बोला गया चंपा सिंह जो कि खुद इनके बहुत ही बड़े सपोर्टर थे, बाला साहब ठाकरे के बहुत ही ज़्यादा करीबी थे, लेकिन उन्होंने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। मतलब कि उद्धव ठाकरे के घर में घुसकर उनके ही एक वर्कर को एकनाथ शिंदे ने जो है चुरा लिया। उधर वहीं बात करें, उनके द्वारा बोला गया कि चंपा सिंह के बाद अब मिलिंद नार्वेकर जो है अपने रास्ते पर हैं। शिवसेना के फुट के बाद भी नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क बनाए रखा, हालांकि यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया है कि नार्वेकर शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। यह पहली बार है जब सेना के विद्रोह खेमे के किसी नेता ने सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणी की है। शिंदे गणेश उत्सव के दौरान भी नार्वेकर के घर पे गए थे, इसके बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया था। लेकिन इधर जो है गुलाबराव पाटिल ने बोला कि मान लीजिए हमें जो है 50 करोड़ रुपए मिले इसलिए हम जो है एकनाथ शिंदे गुट के साथ में बीजेपी के साथ में शामिल हो गए, लेकिन आखिरकार चंपा सिंह जो थापा है इनको आखिरकार क्या मिला, आखिरकार ये जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ में क्यों ज्वाइन किया, उन्होंने अपना पूरा जीवन बाला साहब ठाकरे को समर्पित
सबमिट कर दिया। जिस शख्स ने बाला साहब की चिता को जलाया वही थापा उन्हें उद्धव ठाकरे को साथ छोड़कर चला आया। थापा के बाद अब मिलिंद नार्वेकर अपने रास्ते पर रहे। पाटिल के द्वारा सीधा सीधा बोला गया और बोला गया कि जल्द ही वो भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे और वो जल्द ही एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करेंगे। पाटिल 26 सितंबर को शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में ठाकरे के निजी सहायक और सहायक चंपा सिंह थापा का जिक्र कर रहे थे। पाटिल ने कहा कि जिस दिन हमें चुनाव चिन्ह मिलेगा धनुष और तीर उन्हें अपने पक्ष में कोई विधायक नहीं मिलेगा। मतलब जिस दिन धनुष और तीर उनके पक्ष में आ गया उसके बाद उनके साथ में एक सिंगल विधायक भी नहीं होगा। नार्वेकर जो कभी शिवसेना के एक शक्तिशाली पदाधिकारी थे पार्टी टिकटों के वितरण में अपनी बात रखते थे और यहाँ तक कि ठाकरे और फडणवीस के बीच मध्यस्थता भी करते थे। जब दोनों दलों ने 2014 में सरकार बनाई थी भास्कर यादव 2004 में जैसे नेताओं ने उन्हें दोषी ठहराया था। नारायण राणे 2005 में प्रदीप जायसवाल 2009 और मोहन रावले 2014 में पार्टी के खिलाफ उनके विद्रोह के लिए उनके ऊपर आरोप लगाया था। जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सत्ता में आई तो नार्वेकर को दरकिनार कर दिया गया जबकि एक सेवानिवृत्त नौकर शाह के बारे में कहा जाता है कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय में शॉट्स बुला रहे थे। इस अवधि के दौरान कहा जाता है कि नार्वेकर ने शिंदे के साथ समझौता किया था। वह ठाकरे की कोर टीम में बने हुए थे लेकिन बिना किसी बड़ी जिम्मेदारी के। वह टिप्पणियों के लिए उपलब्ध नहीं थे। एक सहयोगी ने कहा कि वह आंध्र प्रदेश के तिरुपति की यात्रा कर रहा था। इस बीच पाटिल की टिप्पणी पर शिवसेना की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शिवसेना के एक सांसद ने कहा कि ठाकरे काफी समय से नार्वेकर को दरकिनार कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि उद्धव जी द्वारा नार्वेकर को काफी समय से दरकिनार किया जा रहा है। इसमें नया क्या है? वह पार्टी में शामिल होने पर भी पार्टी को कैसे प्रभावित करने जा रहे हैं? उन्होंने मीडिया को अनुपात से बाहर करने का आरोप भी उनके ऊपर लगाया है। आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कुछ दिनों पहले ही एक अपडेट आई थी जहां पर बताया गया कि जो पर्सनल असिस्टेंट के रूप में मिलिंद नार्वेकर को उद्धव ठाकरे ने रखा था अभी जो है उनको उस पोस्ट से हटा दिया गया और दूसरे पुराने शिवसैनिक को उस जगह को दे दिया गया है। शायद इससे भी मिलिंद नार्वेकर को बुरा लगा होगा। शायद इसीलिए वो इस तरह का बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पाटिल के द्वारा दावा किया जा रहा है। शिवसेना प्रवक्ता मनीष कांडे ने कहा कि वो एक धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांडे ने कहा कि यह और कुछ नहीं बल्कि यह धारणा बनाने की असफल कोशिश है कि पार्टी के कई नेता उनके साथ शामिल हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि नार्वेकर उन दो नेताओं में से एक थे जिन्होंने उद्धव ने 20 जून को सूरत गुजरात में शिंदे से बात करने के लिए अपने दूत के रूप में भेजा था। रविंद्र पाठक एक अन्य नेता थे लेकिन बाद में गुवाहाटी में शिंदे में शामिल हो गए। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें इस तरह की किसी भी घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। मैं जो करता हूं उसमें पारदर्शी हूं। मैं तुम्हें जब भी ऐसा चीजें होगी मैं बता दूंगा। यानी कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से जब यहां पे मिलिंद नार्वेकर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये बात सच है मिलिंद नार्वेकर जल्द ही आपकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, तो इस पर उन्होंने बोला कि मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोल सकता, मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मैं पारदर्शी हूँ, जो भी करूँगा पारदर्शी करूँगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो सारी की सारी जानकारी जो है आपको मुहैया कराई जाएगी। मतलब यहाँ सीधी सी बात है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें तब और भी ज़्यादा कठिन हो गई जब उद्धव ठाकरे के ही सबसे खास शिवसेना के सांसद संजय राउत को जेल के अंदर भेज दिया गया और उनकी जो है जमानत नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं से अभी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों मुश्किल में हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर वीडियो कहीं से भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा।